Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 6. Today we are going to talk about the currency derivatives. Aap soch rahe honge ki ye kya terminology hai. You are not familiar with that. Basically currency derivatives hamare hain, these are the special kind of financial instruments. Jab hum apne risk and return ke uski trade off ki baat karte hain, to ye hamare wo instruments hain that lie at the highest level. जब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बॉन्ड ज्यादा रिस्की हैं या स्टॉक्स, तो आप कहेंगे स्टॉक्स ज्यादा रिस्की हैं. व्हाई? क्योंकि उसके अंदर ओनरशिप है. डिविडेंड उस वक्त मिलेगा जब फर्म परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो क्या होगा? जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनका जो क्लेम है वो लास्ट में आएगा. ऐसी बात है ना. लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स हैं दे आर कंपैरेटिवली सेफर. उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स रेगुलर मिलती रहेंगी, नो मैटर के वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल और इट इज गोइंग इनटू लॉसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो जो रिस्क एंड रिटर्न का जो हम कॉन्टिनम बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है दैट लाइज विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नोन एज द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. यू सी, this is risk, this is return. यहां से शुरू करते हैं and we move up. यहां पे हम कुछ सिक्योरिटीज को प्लेस करेंगे. this is known as T-bills. थोड़ा सा ऊपर आए, बॉन्ड्स. मैं आपको बड़ी बड़ी कैटेगरीज बता रही हूँ जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. देन वी हैव प्रेफर्ड स्टॉक, थोड़ा सा ऊपर और आ जाए. देन वी हैव कॉमन स्टॉक, राइट? अच्छा जी, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए. इट्स नॉट एंडेड. यहाँ पे आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर कि हमारे जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं दे लाई एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. इसका रिस्क भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली उसका रिटर्न भी ज्यादा है, राइट? तो हमारा रिस्क और रिटर्न के जो कॉन्टिनम में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच मे बी टेकन एज वन ऑफ द यू नो वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच मे बी यूज्ड फॉर द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फॉर हेजिंग पर्पज एटसेट्रा. थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको आगे जाकर ब्रीफ करती हूँ. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहां तक के लिए इतना ही कि रिस्क एंड रिटर्न के प्रोफाइल में हाईएस्ट लेवल के ऊपर है विच हैज गॉट द हाईएस्ट रिस्क एंड द हाईएस्ट रिटर्न. सो जो हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिटर्न का जो पैटर्न है दैट लाइज विद द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की ही एक टाइप है करेंसी डेरिवेटिव. फाइनेंशियल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मीन्स दैट दो सिक्योरिटीज हुज वैल्यू लाई ऑन सम अंडरलाइंग एसेट. सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू लाए ऑन सम अंडरलाइंग एसेट. अच्छा, आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी जो वैल्यू है दैट लाइज ऑन सम अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट का मतलब है कि लेट्स से दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट,
दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ पेज और सम फाइनेंशियल एसेट जिसके ऊपर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसकी जो वैल्यू है दैट लाइज ऑन सम दिस थिंग दैट इज सम अंडरलाइंग एसेट. दिस इज द अंडरलाइंग एसेट. इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होगी, वैल्यू ऊपर जाएगी वैल्यू नीचे आएगी, कैसी वैल्यू है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट. एंड अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग. अंडरलाइंग एसेट कुड बी एनीथिंग. अंडरलाइंग एसेट कैन बी गोल्ड, अंडरलाइंग एसेट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी सर्टेन कमोडिटी, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी स्टॉक इंडिसेस, इट कैन बी शेयर्स ऑफ स्टॉक, इट कैन बी इवन वेदर, इट कैन बी इवन एनर्जी एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर? तो ये जो फाइनेंशियल, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है हुज वैल्यू लाए ऑन सम अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट की प्राइसेस जैसे चेंज होंगी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू उसी तरह से चेंज होगी. तो ये जो आपका अंडरलाइंग एसेट है दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी गोल्ड, दैट कुड बी कमोडिटी, दैट कुड बी व्हीट, राइस, दैट कुड बी स्टॉक एक्सचेंज इंडेसेस, दैट कुड बी सर्टेन वेदर, दैट कैन बी एनर्जी, दैट कैन बी इवन इंश्योरेंस. है ना इंटरेस्टिंग बात? देखें रिपीट करती हूँ. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो सब डेरिवेटिव्स हैं जिसकी वैल्यू कुछ अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बेस कर दी. एंड व्हाट आर द करेंसी डेरिवेटिव्स? करेंसी डेरिवेटिव का मतलब है हुज वैल्यू इज, हुज अंडरलाइंग एसेट इज करेंसी. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या ऐसा करेंसी डेरिवेटिव का, करेंसी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज करेंसी. इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको रिस्क एंड रिटर्न के कॉन्टिन्यूम से नजर आ रहा है कि दे आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क देयर बाय प्रॉमिसिंग द हाईएस्ट रिटर्न. जैसे कि आपको फाइनेंस का रूल पता है, हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. एंड यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट, हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. Higher the risk, higher is the expected return. So, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि दे हैव गॉट दी हायर हाइएस्ट रिस्क, सो दे आर गोइंग टू हैव दी हाइएस्ट प्रोमिस्ड रिटर्न. लेकिन ऐसा हर दफा नहीं होता. रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न कुड बी प्रॉफिट्स, रिटर्न कैन बी लॉसेज. रिटर्न का मतलब होता है जो जवाब में आपको मिले. तो हमेशा इसको हम प्रॉफिट से डिनोट नहीं करते. रिटर्न कैन बी प्रॉफिट्स, रिटर्न कैन बी लॉसेस. रिटर्न्स आपके प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, रिटर्न्स आपके लॉसेस भी हो सकते हैं. सो हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब यह है, रिस्क अगर आपने ले लिया तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट? ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए. वाई? बिकॉज हम इस वक्त एक रिस्की, रिस्की का क्या मतलब होता है? रिस्की का मतलब होता है कि चले गए तो ठीक है, गुजर गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इट यू माइट गो और यू माइट रन इनटू ह्यूज लॉसेस. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो जो आपका हाई, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न का जो फिनोमेना है वो ये कहता है कि इट इज नॉट प्रोमिसिंग ऑलवेज द हाइएस्ट प्रॉफिट, यू मे एंटर इंटू ह्यूज लॉसेज इज वेल. आपको लॉसेज भी ज्यादा हो सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि यू आर फॉर एवर गोइंग टू अर्न रेवेन्यूज एंड यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स. यू माइट इनकर ह्यूज लॉसेज. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रिस्की हैं. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा. जैसे नाइफ होता है, उसको आप यूज करते हैं फ्रूट काटने के लिए, लेकिन इट कैन हर्ट यू अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज ना करें, अगर आप उसको प्रॉपरली देख के इस्तेमाल ना करें. तो सिमिलरली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, दे कैन बी इवन वेरी वेरी रिस्की फॉर यू फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. गेटिंग माई पॉइंट? तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत जो हमारी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत पुराने नहीं है. इट वॉज जस्ट 1970s जब ये ओरिजिनेट हुए. आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स जब ओरिजिनेट हुए, इट वाज ओनली 1970s. तो आप देखें 1970s की जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है. स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स का मैंने आपको बताया था वो बहुत पुराने हैं. उससे पहले बाकी भी सब चीजें काफी ज्यादा, दे आर नॉट दैट वेरी मच न्यू.
बट दिस इज क्वाइट अ न्यू एक्सपेरिमेंट और 1970 से ये ओरिजिनेट हुआ. और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके ऊपर जो सबसे पहले जो यूज करने वाले मार्केट थी दैट वाज द यूएस मार्केट और वहीं से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अभी तक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की वो सिचुएशन नहीं है और अभी तक दे आर इन इट इट्स इन इट्स इन्फेंसी. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, मतलब काफी तरक्की कर ली है. इन अदर वर्ड्स चाइना के अंदर कमोडिटी जो आपके फ्यूचर डेरिवेटिव्स हैं दे आर बीइंग हाईली यूज्ड एंड दे आर द चाइना मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी एज द बेस्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट फॉर द कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010. दे हैव बीन गिवन अवार्ड इन 2010. तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट बता रही हूँ. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वी आर जस्ट इन इट्स इन्फेंसी स्टेज. कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेड करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन फॉरवर्ड और फ्यूचर की शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी. बेसिकली दीज आर ऑल दी डेरिवेटिव मार्केट और दी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. अच्छा स्टूडेंट, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री, इंडिया, हर सब कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव का यूजेज किसी न किसी हद तक है एंड दे आर बींग यूज. हिस्ट्री बताती है कि सिंस इट रन्स ऑन दी highest, high risk and high return continuum, they might be very, very risky. तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ financial institutions ऐसे भी थे that went into huge losses because of this wrong usage of financial derivatives. एक छोटी सी story पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? Okay, just wait. अच्छा, गौर से सुनेंगे आप. On February 27th, 1995, Barings PLC, the oldest merchant bank in the United Kingdom, was placed in administration by the Bank of England because of the losses that exceeded the bank's entire 806 million in equity capital. Ab uska ye failure kyun hua? The cause of these losses was a breakdown in Barings' risk management system. अच्छा स्टूडेंट्स, बेरिंग्स बैंक की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ. इट वाज फ़रवरी 27th, जो कि बहुत पुराना मर्चेंट बैंक था यूके का, इंग्लैंड का, और दैट वाज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड. और ये उसके जो लॉसेस थे दैट वेंट इनटू 860 मिलियन. और इसका जो रीजन था दैट वाज द बेरिंग्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. बेसिकली जो करेंसी डेरिवेटिव्स हैं उसमें ये यूज होते हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट. So currency derivatives are a special instrument which are being used as a tool of the risk management. Got my point? The cause of these losses was a breakdown in Barings' risk management system that allowed a single rogue trader to accumulate and conceal an unhedged 27 billion positions in various exchange traded futures and option contracts. उसने क्या किया था? बहुत सारी positions ले ली थी. Primarily the Nikkei 225 stock index future contract traded on the Singapore International Monetary Exchange. The losses occurred when the market moved unfavorably against the traded speculative positions. Market ne jab move kiya against the speculative position to kya hua? The traders recently completed a prison term in Singapore for fraudulent trading. Barings was taken over by ING Group and Deutsche Bank and insurance conglomerate. A simple story. Future and contract, future and option contract can be very risky investments indeed when used for speculative purposes. So students, ये Barings Bank की मैंने आपको story बताई है that went into huge losses just because of the wrong decisions which were taken by a single person whose name was Nick. निक एक पर्सन का नाम था जो कि ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर रहा था बेरिंग्स बैंक का. उसने बहुत सारी रॉन्गली पोजीशंस एक्वायर कर ली फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए. और जब मार्केट में अनफेवरेबल मूव हुई तो क्या हुआ? ही वेंट इनटू ह्यूज लॉसेस. वो बहुत ज्यादा लॉसेस में चला गया. ही केप्ट ऑन डूइंग इट इन ऑर्डर टू सेव हिम. और अपना इमेज को ठीक रखने के लिए उसने He kept on taking more and more positions. लेकिन क्या हुआ? Eventually the bubble burst and they went into huge losses. और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेरिंग्स बैंक की स्टोरी है. जब आप ये
पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ें और मैं आपके लिए दोबारा इसको रीड आउट करूंगी, एंड देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि असल में हुआ क्या था. फिल वक्त आपको इतना समझ आ गया कि डेरिवेटिव के रॉन्ग यूजेज की वजह से यू माइट एंटर इनटू ह्यूज लॉसेस. गॉट माय पॉइंट? अच्छा जी. अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैंने बेरिंग्स बैंक की स्टोरी सुनाई है, आपको अगर मौका मिले तो एक मूवी है, उसका नाम है रोज ट्रेडर. उसका नाम है रोज ट्रेडर्स. ठीक है, ये मूवी है, आप ये देखें. दैट इज द स्टोरी ऑफ अ बेरिंग्स बैंक, और इसमें आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेटिव यूजेज वर्किंग. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम मूव ऑन करते हैं टू स्टार्ट विद द चैप्टर. एक्चुअली नंबर वन चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, टू एक्सप्लेन हाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, हम इनको यूज करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को इन ऑर्डर टू यूज फॉर द हेजिंग पर्पज ऑन द एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट से मतलब यह है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस, दे आर गोइंग टू मूव अप और मूव डाउन एटसेट्रा. टू एक्सप्लेन हाउ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज फॉर हेजिंग और स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये तो दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हमने पढ़ना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और हमने पढ़ना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और हमने पढ़ना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, एक है हेजिंग और एक है स्पेकुलेशन. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वट इज दिस स्पेकुलेशन क्या होती है और हेजिंग क्या होती है. अच्छा आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. देखिए स्पेकुलेशन होती है कि यू आर एक्सपेक्टिंग और यू आर स्पेक्यूलेटिंग, यू आर फोरकास्टिंग दैट प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी आर गोइंग टू राइज अप. फॉर एग्जांपल आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो फ्यूचर में आने वाले कुछ महीनों में बहुत महंगा हो जाएगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बाय मोर एंड मोर गोल्ड सो दैट जब उसकी प्राइसेस अप जाएं आफ्टर टू और थ्री मंथ्स यू विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स. आप उसको दोबारा सेल आउट कर लें एंड यू कैन अर्न द डिफरेंस. See, this is called the speculation. Speculation is the position whereby you want to take the advantage of the price difference. Speculation mein you are going to take the advantage of a price difference. This is called speculation. Whereby you want to take the advantage of a price difference, that is called speculation. And what is hedging? Hedging is whereby you take a position in order to lock in the price. स्पेक्यूलेशन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी गोल्ड की परचेज एंड सेलिंग की, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन. एंड हेजिंग इज टू टेक अ पोजिशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस. वट डज इट मीन? हेजिंग मीन्स टू टेक अ पोजिशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक अ पोजिशन वेयर बाय यू लॉक इन द प्राइस. आप प्राइस को लॉक कर देते हैं पहले से. कैसे? आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने बैंक के साथ थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट that I am going to buy this much of currency after a specified time period at a specified rate and at a specified date. ठीक है ना? I am going to buy this much of currency after specified amount of a currency at a specified rate and at a specified date. ठीक है? तो क्या मतलब हुआ? आपने अपने आप को पहले से बुक करा लिया स्पेसिफाइड अमाउंट, लेट्स से 25,000 फॉर डॉलर्स. एक रेट बुक कर लिया एट अ स्पेसिफाइड रेट for dollar one is equal to 100 rupees at a specified date, let's suppose September 30th. Got my point? तो आपने पहले से ही आज के दिन में आप एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो गए जहां पे आपने अपने आप को एक प्राइस के साथ लॉक इन कर लिया. आपने अपने आपको एक प्राइस में
लॉक इन कर लिया, आपने अपने आप को उसके लिए पाबंद कर लिया दैट आई एम गोइंग टू डू दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर 3 मंथ्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड दी हेजिंग. ये आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. देखें, अगर आप 3 महीने के बाद, अगर सितंबर 30th को अगर डॉलर का रेट रुपी के अगेंस्ट 110 भी चला जाता है, यू आर नॉट बदर्ड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी फॉर अ सेट रेट. तो आपने अपने आप को पहले से सेफ गार्ड कर लिया. हेजिंग की एग्जाम्पल एक तरह से और भी दी जा सकती है, वो ये है बाई टेकिंग द प्रोटेक्शन. एंड वट इज दैट प्रोटेक्शन? हेज मीन्स टू प्रोटेक्ट. और प्रोटेक्शन कैसे होगी? जस्ट टू हैव यू सी एन अम्ब्रेला वंस इट इज रेनिंग. आप अपने पास अम्ब्रेला रखें, चाहे बारिश हो या ना हो, तो यू आर एट अ सेफर एंड. सो बेसिकली यू हैव सेव्ड योरसेल्फ. आपने अपने आप को महफूज कर लिया, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. तो हेजिंग मीन्स जस्ट कीपिंग एन अम्ब्रेला विद यू. हेज का जो लफ्जी मतलब है वो है बाढ़. जैसे होता है ना, लॉन के इर्द गिर्द हम इतनी इतनी फेंस लगा देते हैं, दैट इज जो बाढ़ होती है लॉन के इर्द गिर्द, उसको हम फेंस कहते हैं. वो फेंस किस पर्पज के लिए होती है? बेसिकली दैट फेंस इज टू प्रोटेक्ट योर लॉन फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हैजर्ड्स. तो हेजिंग का भी पर्पज यही होता है. आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड कर लिया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लिया. आप ये सोच रहे होंगे कि वाई नॉट स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन से भी तो मैं अर्न कर रहा था. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दी गोल्ड प्राइसेज आर गोइंग टू बी अप एंड आई एम बाइंग इट टूडे सो दैट आई कैन सेल इट आफ्टर 3 मंथ्स एंड आई कैन जनरेट एनफ प्रॉफिट्स. बट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिस्की. स्पेकुलेशन इज रिस्की. जो मैंने आपको बेरिंग्स बैंक की भी स्टोरी सुनाई है, उसमें उसने जो ट्रेडर था उसने क्या किया था, ही केप्ट ऑन इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इनटू स्पेकुलेशन. वो अपने आप को उसने स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व कर लिया और वो करता गया हत्ता कि वो फिर उससे हैंडल नहीं हुआ. सो दैट वाज दी बेसिकली स्टोरी. सो हेजिंग और स्पेकुलेशन का मैंने आपको डिफरेंस बताया. और जो आपके करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पस. मैं रिपीट कर देती हूँ, स्पेकुलेशन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ प्राइस डिफरेंस, वेयर एज हेजिंग इज टू टेक अ पोजिशन इन ऑर्डर टू लॉक इन द प्राइस. तो हेजिंग एंड स्पेकुलेशन दोनों की जाती हैं इन ऑर्डर टू हैव द एडवांटेज ऑफ द. दोनों तरह से ये की जा सकती है. स्पेकुलेशन भी हो सकती है थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और हेजिंग भी की जा सकती है थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. लेकिन स्पेकुलेशन में हम रिस्क इसलिए कहते हैं बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड अप्रोच. हेज में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, हमने अपने आप को किसी भी एक्सटर्नल वार्निंग से बचा लिया. नाउ द फॉरवर्ड मार्केट. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉरवर्ड मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. टुडे वी आर गोइंग टू मूव इट ऑन. हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ फर्म एंड अ कमर्शियल बैंक टू एक्सचेंज अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 चीजें हैं. नंबर 1 इज स्पेसिफाइड अमाउंट. नंबर 2 इज स्पेसिफाइड रेट. एंड नंबर 3 इज स्पेसिफाइड डेट और अ टाइम पीरियड. द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी माइट बी 25,000 रुपी. स्पेसिफाइड रेट माइट बी 100 रुपीज इज इक्वल टू $1. एंड स्पेसिफाइड डेट इज लेट से आफ्टर 3 मंथ्स September 30th. आपकी आसानी के लिए वही प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने लिखी है. अब आपने ये तय कर लिया अपने बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस एक्सचेंज ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी. $25,000 को रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे डॉलर के साथ. रेट है आपका रुपीज 100 इज इक्वल टू $1 इस रेट के ऊपर ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ऑन September 30th. अब देखें यहाँ पे, अब आपको जाहिर है बैंक भी थोड़ा सा एंटिसिपेट करेगा. उसने जो आपको ये रेट दिया ना, 100 रुपीज इज इक्वल टू $1, दैट रेट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट.
ये स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट जो है ना, जो उसने आपको कोट किया है, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट, राइट? सो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ फर्म एंड अ कमर्शियल बैंक टू एक्सचेंज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉरवर्ड मार्केट, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के दरमियान में, जो कि वन टू वन ट्रांजेक्शन है बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक. दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्केट. अच्छा, ये आप किसके लिए करेगा? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हर एक किसी के लिए कर लेगा? कमर्शियल बैंक? नो, कमर्शियल बैंक सिर्फ चंद लोगों के लिए करेगा, या चंद जो उसके रिनोन कस्टमर्स हैं उनके लिए करेगा दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. Forward contracts are often valued at $1 million or more and are not normally used by consumers or smaller firms. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, रिपीट कर रही हूँ. Forward contracts are often valued at $1 million or more. Usually they are valued at this number and are not normally used by the consumers or the smaller firms. और ये छोटी firms या consumers नहीं use करते, बल्कि large transactions के लिए, और जो जिनकी amount usually that is more than 1 million, उनके लिए आप forward contract use करते हैं. So it is kind of a customized contract between you and a commercial bank, जो आपके लिए commercial bank ने specially design किया. Getting my point? So the forward contracts are often valued एट $1 million और मोर. 1 million के हो या उससे ज्यादा के अमाउंट का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो देन यू कैन एंटर इन टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन एमएनसीज एंटिसिपेट अ फ्यूचर नीड फॉर और फ्यूचर रिसीट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, दे कैन सेट अप फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक इन द एक्सचेंज रेट. अच्छा, एमएनसीज को जरूरत पड़ती रहती है फंड की फॉर द फ्यूचर नीड्स दे और इन फॉरन करेंसी. फ्यूचर नीड फॉर और फ्यूचर रिसीट, या तो ये कि वो उनको पेमेंट के लिए चाहिए होता है. बिजनेस इज अ टू साइडेड एक्टिविटी. क्या क्या होता है? आइदर यू आर एट द रिसीविंग एंड और यू एट द पेमेंट. तो इंटरनेशनल बिजनेस में दो चीजें बड़ी कॉमन होंगी, आइदर रिसीट्स होंगी या फिर पेमेंट्स होंगी. अब वो रिसीट्स और पेमेंट्स कैसी होंगी? लाइक यू आर स्टक अप विद सर्टेन कस्टमर्स, स्टक अप ही कहना चाहिए, अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड यू आर स्टक अप आल्सो विद सर्टेन सप्लायर्स जिसको आपने पेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पेबल. सो रिसीट्स हैं आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेमेंट्स हैं आपके अकाउंट्स पेबल. आपको इंटरनेशनल बिजनेस में ये जो फ्लो ऑफ फंड्स है, इसमें आपको ये दोनों चीजें हर वक्त ही इनकाउंटर होंगी. आपने अपने कस्टमर से रिसीविंग्स भी करनी है, दैट इज द अकाउंट्स रिसीवेबल, और आपने पेमेंट्स भी करनी है टू योर सप्लायर, दैट इज योर अकाउंट्स पेबल. अब इनका हम क्या करें, इनको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि दरमियान में आ जाता है हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अकाउंट रिसीवेबल है, आज की जो दिन में उसने मुझे 25,000 देने थे, लेकिन डेप्रिशिएट हो जाती है करेंसी और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज टूडे. इसी तरह अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी है, हो सकता है करेंसी अप्रिशिएट हो जाए और एंड आई वुड एंड अप पेइंग मोर नंबर ऑफ दैट करेंसी टू दी सप्लायर, तो करेंसी लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. समझ आ रहा है ना? जैसे आज अगर डॉलर का रेट 100 रुपीज है और मैंने 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, मैं अपने आप को लॉक इन नहीं कराती, फिर मुझे 105 वाला रेट मिलेगा अगर उसके बाद, अगर मैं 5 महीने के बाद करती हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी एमएनसी एंटिसिपेट करती है, फोरकास्ट करती है दैट दे आर इन द नीड ऑफ सर्टेन रिसीवेबल्स और सर्टेन पेबल्स, दे कैन सेट अप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू लॉक इन द एक्सचेंज रेट. वो अपने आप को लॉक इन करा लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट. द परसेंटेज बाय विच द फॉरवर्ड रेट एक्सीड्स द स्पॉट रेट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड द फॉरवर्ड प्रीमियम. अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट एंड व्हाट इज द स्पॉट रेट, कैन यू गेस? जी, व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट? That is a rate for some future time period. Let's say अगर मैं 3 महीने के बाद जो आपको डॉलर का रेट दे रही हूँ, that is called the forward rate. और जो आज के दिन का है रेट against your currency, that is called the spot rate. What my point? So forward rate and the spot rate.
The percentage by which the forward rate exceeds the spot rate at a given point in time is called the forward premium. अब जिस परसेंटेज से द फॉरवर्ड रेट एक्सीड्स द स्पॉट रेट उसको हम क्या देते हैं प्रीमियम. अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आपके याद रखने वाली है वो ये है कि फॉरवर्ड रेट इज यूजुअली हायर एज कम्पेयर टू द स्पॉट रेट. वाई? लेकिन जो आपने फ्यूचर में सेट करना है ना, जो आपने ऑफर करना है, जो बैंक आपको ऑफर करेगा, दैट इज यूजुअली हायर एज कम्पेयर टू वट इट इज टूडे. सो फॉरवर्ड रेट इज usually higher than the spot rate. What my point? So the percentage by which the forward rate exceeds the spot rate at a given point in time is called the forward premium. So jis percentage se ye zyada hoga, that is called the forward premium. So F is equal to S 1 plus P. And if F exhibits a discount when P is less than जीरो, अगर पी जो है वो जीरो से कम हो तो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट. फॉरवर्ड मार्केट, दिस इज कॉल्ड, आपको स्पॉट रेट्स गिवन है और आपको फॉरवर्ड रेट भी गिवन है, तो आप उसमें से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज 0.95%. द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट यूजुअली रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द होम एंड द फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स, दस प्रिवेंटिंग आर्बिट्राज. इसलिए इससे आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं होती. आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं टू टेक द प्राइस डिफरेंसेस, तो दिस इज कॉल्ड द आर्बिट्राज. अ स्वाप ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स स्पॉट ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट विल रिजर्व द स्पॉट ट्रांजेक्शन. स्वाप ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने एक्सचेंज कर लिया एक ट्रांजेक्शन एक करेंसी को दूसरे से. अ स्वाप ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ स्पॉट ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट विल रिवर्स द स्पॉट ट्रांजेक्शन. हमने स्पॉट ट्रांजेक्शन को रिवर्स किया और हमने एक्सचेंज कर लिया एक करेंसी को दूसरे करेंसी से, यानी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हमने स्वैप कर लिया एक को दूसरे से. स्वैप का मतलब होता है कि इसके बदले आपको मैं ये दे दूं. सो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिंग द स्पॉट ट्रांजेक्शन. Now the non-deliverable forward contract. What is the non-deliverable forward contract? A non-deliverable forward contract does not result in an actual exchange of currencies. Instead, one party makes a net payment to the other based on the market exchange rate on the day of settlement. अच्छा students, हमने जैसे previous example हम कर रहे थे 25,000 वाली. अब जो non-deliverable forward contract है उसमें ये होगा कि हमने exact हमने एग्जैक्ट एक्सचेंज नहीं किया 25,000 डॉलर को विद विद दैट रेट दैट इज 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर और वो जितने भी बनेंगे एट दैट पर्टिकुलर डेट, हम उसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ डिफरेंस को. डिफरेंस से मतलब ये है कि जितना मुझे बेनिफिट होने जा रहा है, जितना मुझे फायदा होगा उस टाइम के ऊपर फॉर द एक्सचेंज रेट बेनिफिट, मैं सिर्फ उसको एक्सचेंज करूंगी, बाकी पूरी की अमाउंट को हम नहीं करते. दिस इज कॉल्ड द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डिलीवर नहीं होते. मतलब हम मोस्ट ऑफ द टाइम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट डिलीवर्ड. उसकी रीजन ये है कि डिलीवरी सम टाइम्स मेक्स द थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. कैसे? बहुत दफा जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर फ्लॉक ऑफ शीप्स के ऊपर जिसका अंडरलाइंग एसेट था शीप. अब जो अगर एक्चुअल डिलीवरी उसकी थी वो हुआ उसमें उस स्टोरी में ये था कि फ्लॉक ऑफ शीप जो है वो अंडरलाइंग एसेट था जिसके ऊपर वैल्यू बेस करी थी और वो लोग जो है ना वो एग्जैक्ट एक्चुअल डिलीवरी में एंटर हो गए. एक्चुअल डिलीवरी में जब वो एंटर हुए तो क्या हुआ कि जो फ्लॉक ऑफ शीप थी वो उसको जब सेल करने की बारी आई ऑक्शन के अंदर तो दे हैव टू कीप देम एंड दे हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट यू सी नेक्स्ट वीक. पूरा एक वीक उनको एक्स्ट्रा अपने पास रखना पड़ा, उनको फीड भी करना पड़ा एटसेट्रा. मेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी इज रियली वेरी डिफिकल्ट. इसलिए बहुत दफा ये होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑफसेट किए जाते हैं. ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जब टाइम आता है, जब आपका वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड आता है, तो द सेम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सोल्ड. अगर आपने बाय किया हुआ था आप उस वक्त सेल कर लें, कोई और उसको बाय कर लेगा.
इज दैट क्लियर? या फिर ये कि अगर आपने नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसमें ये होगा कि जो नेट पेमेंट का डिफरेंस है आप सिर्फ वो दे दें और बाकी को आप छोड़ दें, मतलब पूरी की अमाउंट को आप एक्सचेंज ना करें, सिर्फ आप जो नेट अमाउंट का डिफरेंस है आप उसको देख लें. इज दैट क्लियर? ओके. सो अ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन इफेक्टिवली हैच फ्यूचर फॉरेन करेंसी पेमेंट्स और रिसीट्स. तो जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे कैन इफेक्टिवली हैच फ्यूचर एंड फॉरेन करेंसी पेमेंट्स एंड रिसीट्स. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 1 एक्सपेक्ट नीड फॉर 100 मिलियन चिलियन पैसोस, नेगोशिएट एन NDF दैट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 मिलियन चिलियन पैसोस ऑन जुलाई 1. आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 100 मिलियन चिलियन पैसोस जो है वो जुलाई 1 को बाय करेंगे. रेफरेंस इंडेक्स्ड क्लोजिंग रेट कोटेड बाय द चिलीज सेंट्रल बैंक इज इक्वल टू 0.0020 पर पैसो. जुलाई 1 पे एक्चुअली क्या होगा, बाय 100 मिलियन चिलियन पैसोस फ्रॉम द मार्केट, आपने चिलियन पैसोस को मार्केट से परचेज किया और इंडेक्स रेट उस वक्त था 0.0023 पर पैसो. रिसीव 30,000 फ्रॉम द बैंक ड्यू टू NDF दैट इज द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो आपने जो जब जुलाई 1 आएगा तो यू आर गोइंग टू रिसीव 30,000 फ्रॉम द बैंक ड्यू टू द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इंस्टेड ऑफ 100 मिलियन की आपने बुकिंग कराई थी, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस आप उस वक्त ले रहे हो या डिफरेंस जो आपको मिलने जा रहा है आप सिर्फ उसको ले लेंगे एंड दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट. तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यह है कि आप पूरी अमाउंट की बजाय सिर्फ जो डिफरेंस आएगा नेट पेमेंट का आप उसको देख के उसको लेके यू कैन डिलीवर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो इंडेक्स इज इक्वल टू 0.0018 पैसो, पे 20,000 टू द बैंक. अगर इस रेट से कम हो जाता है 0.0020 आपका था पर पैसो, लेकिन अगर इंडेक्स रेट जो है वो 0.0018 हो जाता है पर पैसो तो यू आर गोइंग टू पे $20,000 टू द बैंक. फिर बैंक को आप $20,000 पे कर देंगे. आइदर यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द बैंक और यू आर गोइंग टू पे टू द बैंक. जिसको भी लॉस होगा, लॉस से मतलब यह कि जिसके ऊपर भी रेट नेगेटिवली इफेक्ट अगर आपको करेगा तो आप पे करेंगे बैंक को, अगर रेट नेगेटिवली बैंक को इफेक्ट करेगा तो बैंक आपको पे करेगा. बैंक अपना कमीशन भी बाय द वे सेव करता है और लेकिन आपको उसका फायदा ये होगा कि आपने अपने आप को सेफ गार्ड करा लिया. जस्ट गॉड फॉरबिड अगर कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेज अराइज हो जाते हैं मार्केट के अंदर तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने आप को सेफ गार्ड किया हुआ है. सो इफ द इंडेक्स इज इक्वल टू 0.0023 पैसो यू आर गोइंग टू रिसीव, सिर्फ जो डिफरेंस है 3 का था ना, मतलब 0.0020 से 0.0030 है. देखिए 0.0023 माइनस 0.0020 ये कितने हो गए, .003 और आपने इसको 100 बिलियन से मल्टीप्लाई किया दैट मेक्स 30,000. सो .003 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन .003 किधर से आया, .002 ये और .0023 ये माइनस .0023 दिस इज इक्वल टू दिस और 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन 100 के बाद 6 जीरोस लिखें यू विल एंड अप दिस मच. ठीक है, और अगर इंडेक्स जो है वो 0.0018 हो गया तो डिफरेंस है 0.002 दैट इज 0.002 माइनस 0.0018 दैट इज इक्वल टू 0.002 और 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन दैट मेक्स 20,000. सो यू आर गोइंग टू पे 20,000 टू द बैंक. अगर जो एक्सचेंज रेट की जो मूवमेंट है वो आपके अगेंस्ट जाती है बट यू आर गोइंग टू रिसीव 30,000 फ्रॉम द बैंक
ड्यू टू एनडीएफ दैट इज द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर चीजें आपके हक में जाती हैं दैट इज 0.003 हो गया, लाइक बढ़ गया. सो हमने सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस था हमने उसको एक्सप्लेन किया है, नॉट द होल अमाउंट. आपने देखा उससे कैसे हमने हज किया. आई एम श्योर यू कैन नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन दैट वट इज द इफेक्टिव हैजिंग विद द हेल्प ऑफ दीज फ्यूचर फॉरन करेंसी पेमेंट्स और रिसीट्स. नाउ स्टूडेंट्स द करेंसी फ्यूचर मार्केट्स. अब करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं, करेंसी फ्यूचर्स मार्केट किस तरह से ऑपरेट करती है, क्या चीज है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड ऑन अ स्पेसिफिक सेटलमेंट डेट. वही डेफिनेशन है इसकी स्टूडेंट्स जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की थी, दैट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ करेंसी दैट इज अ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज्ड एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड एट अ स्पेसिफाइड डेट. टू बी एक्सचेंज्ड एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट, राइट. They are used by MNCs to hedge their currency positions and by the speculators who hope to capitalize on their expectations of exchange rate movements. So basically they are being used by the MNCs to hedge their currency positions. And what is meant by the currency positions? Currency positions सारी ये वही चीजें हैं जो हमने जब हमने ये कह दिया कि we are going to buy, this is called a position. अगर हम ये कह देते हैं कि we are going to sell this much of a currency, that is going to be अ पोजिशन. इसको हम पोजिशन कहते हैं, यानी हम ये इसको कहना, इसको डेरिवेटिव्स की लैंग्वेज में कहते हैं पोजिशन लेना. पोजिशन लेना से मतलब यह है कि मैंने ये पोजिशन ले ली कि आई एम गोइंग टू बाय, या मैंने ये पोजिशन ले ली आई एम गोइंग टू सेल. अगर मैंने बाइंग की पोजिशन ले ली, एक चीज एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको, दैट इज लॉन्ग, लॉन्ग पोजिशन. लॉन्ग इज टू बाय. वेन यू एंटर इन टू अ बाइंग एग्रीमेंट that you are going to buy this future contract, तो उसको हम कहते हैं long position. And if you want to sell, that is called the short position. So if you want to buy, that is a long position, and if you want to sell, that is called a short position. So long is to buy and short is to sell. Got my point? Long is to buy and short is to sell. Long is to buy and short is to sell. ये आपको याद रखने वाली बात है. और position लेने से मतलब यह है कि we are entering into such sort of an agreement whereby we are either going to buy or we are either going to sell. So currency future markets, they are being used by the MNCs to hedge their currency positions and by the speculators who hope to capitalize on their expectations of the exchange rate movement. Either MNCs एंटर होती हैं इसके लिए ताकि टू हेज देयर करेंसी पोजिशंस, या फिर ये बाय द स्पेक्यूलेटर्स, जो स्पेक्यूलेटर्स से हु होप टू कैपिटलाइज ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. बेसिकली स्पेक्यूलेटर करता ही है कि दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. कैपिटलाइज ऑन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट से मतलब यह है कि अगर एक्सचेंज रेट मूवमेंट आपके हक में चली जाएगी या आपके अगेंस्ट चली जाएगी, आप इस उम्मीद पे करते हो दैट दे आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पेक्यूलेशन. आई एम श्योर यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग. द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ट्रेडेड बाय फर्म्स और इंडिविजुअल्स थ्रू ब्रोकर्स ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ एन एक्सचेंज. अच्छा स्टूडेंट्स, होता यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर इधर बींग ट्रेडेड बाय द फर्म्स or by the individuals through brokers on the trading floor of an exchange. Ab ye individuals ke through bhi ho sakte hain ya firms ke through bhi ho sakte hain, and they are agar ya to ye directly individual khud bhi kar sakte hain ya through brokers bhi kar sakte hain. Isi tarah firms ki agar apne paas expertise hain, agar risk management cell unke paas hai, wo operate kar raha hai, and they have the enough expertise and skills, they can use their own. Lekin if they are not, then they might be using brokers. Example, शिकागो मर्कटाइल एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं सीएमई, शिकागो मर्कटाइल एक्सचेंज. एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज द ग्लोबैक्स, और ओवर द काउंटर मार्केट दैट इज ओटीसी. अच्छा जी, ये जो सीएमई है और ग्लोबैक्स है, ये तो आपके हो गए एक्सचेंजेस, प्रॉपरली एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज है,
इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स. एक आपकी ये एक तो आपकी होगी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, दूसरी है आपकी ओटीसी दैट इज द ओवर द काउंटर मार्केट. एंड व्हाट इज ओवर द काउंटर मार्केट? ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब यह है कि जो सिक्योरिटीज आपकी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनकी ट्रेडिंग आप थ्रू टेलीफोन और थ्रू इनफॉर्मल मोड करते हैं, यूजली टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोर स्पेसिफिकली, तो उसको हम कहते हैं ओटीसी मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट. अच्छा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ये बताती है, जो करंट पैटर्न्स हैं वो ये बताते हैं कि ओटीसी के ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग होती है एज कम्पेयर टू द एक्सचेंजेस. व्हाई कैन यू गेस व्हाई इज इट सो? एक्सचेंज के ऊपर क्यों कम ट्रेडिंग होती है एज कम्पेयर टू ओटीसी? हमारे पास एक स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमने ये एनालाइज किया कि हमेशा ओटीसी के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन. व्हाई इज इट सो? एनी गेस, एनी आइडिया? यस, वेरी गुड. ओटीसी के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसकी पॉपुलैरिटी का राज ये है या उसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रेड करना इसलिए पसंद करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईज, उसके ऊपर आसानी बहुत है. यू कैन ईजिली गो एंटर इन टू दैट एक्सचेंज के ऊपर जो आपकी ट्रेडिंग होती है दैट इज मोर ऑफ अ फॉर्मलाइज काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जबकि आपकी जो ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट इज थ्रू टेलीफोन और थ्रू फैक्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई मेल्स के थ्रू आप अपना एक्सचेंज ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं. सो ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का डिफरेंस आपको समझ आ गया, आई होप सो. अच्छा जी, अब जो दरमियान में ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर इज द मिडिल मैन. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ब्रोकर एक ऐसा पार्टी है जो कि दो पार्टीज के दरमियान में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कराती है. अब ये जो ब्रोकर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करेगा, देर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड. हम कहते हैं देर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड, तो फ्री में तो कोई भी काम नहीं करना चाहता, तो ब्रोकर्स भी काम नहीं करेंगे. ब्रोकर दे चार्ज यू अ कमीशन, आपको एक जो ब्रोकर्स हैं वो कमीशन चार्ज करेंगे फॉर दिस सर्विस. क्या सर्विस है? मैं आई वॉन्टेड टू बाय चिलियन पैसोज ऑफ 25,000 अगेंस्ट रूपी, और मैं उसके लिए एक एग्रीमेंट में एंटर होना चाह रही हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, सो दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट. तो मैंने ब्रोकर को कह दिया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैसे मैं इसको लूँ, किस तरह से इसको, मेरे पास स्पेशलिटीज नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, आई डू नॉट नो हाउ टू एंटर इन टू दैट. तो ब्रोकर मुझे हेल्प करेगा और ब्रोकर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने में, बाय करने में हेल्प करेगा, यानी वो मुझे लॉन्ग पोजीशन लेने में हेल्प करेगा या शॉर्ट पोजीशन, वट एवर इज ऑफ माई इंटरेस्ट. ब्रोकर ये काम फ्री में नहीं करेगा एंड दे आर गोइंग टू चार्ज मी फी, दैट फी इज कॉल्ड अ कमीशन. इज दैट क्लियर? दैट फी इज कॉल्ड अ कमीशन. अच्छा, दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स, और दूसरी टाइप के ब्रोकर्स होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स. फुल सर्विस ब्रोकर्स आपके वो ब्रोकर्स होते हैं जो शुरू से लेके आखिर तक ट्रांजैक्शन में आपको सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसकी उसकी एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो सब चीजें आपको हेल्प आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो आपको थ्रू आउट हेल्प करते रहते हैं कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, हाउ टू टेक दिस पोजीशन और व्हेन टू टेक दिस पोजीशन एटसेट्रा. डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जिसको आप कह लें कि वो एक खास हद तक आपकी हेल्प करेंगे या जिस सिर्फ बाइंग में आपकी हेल्प करा देंगे, आप इसको इस तरह से टर्म करें. फुल सर्विस ब्रोकर इज फुल टाइम. फुल टाइम ब्रोकर का मतलब है कि वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज में हेल्प करेगा. डिस्काउंट ब्रोकर इज योर पार्ट टाइम ब्रोकर हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक आपको उसकी जरूरत रहती है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट ब्रोकर. सो द फुल सर्विस ब्रोकर इज द फुल टाइम, वेयर एज द डिस्काउंट ब्रोकर इज द पार्ट टाइम ब्रोकर. नाउ स्टूडेंट्स, कंपेरिजन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट्स. नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट साइज. फॉरवर्ड मार्केट साइज इज कस्टमाइज्ड वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दूं कि जैसे आप जो ड्रेसेस पहनते हैं दे आर आइदर रेडीमेड और यू गेट इट स्टिच्ड फ्रॉम द टेलर.
जो आप अपने टेलर से स्टिच कराते हैं दैट इज कॉल्ड अ कस्टमाइज्ड, दैट इज एग्जैक्टली ऑफ योर साइज. आपके शोल्डर्स का क्या साइज है, आपकी आर्म लेंथ क्या है, आपकी शर्ट की लेंथ क्या है, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड. कस्टमाइज्ड मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन एग्जैक्टली योर नीड, और आप उसमें कैसा डिजाइन करवाना चाहते हैं, क्या चीज लगवाना चाहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली ऑफ योर ओन चॉइस, दैट इज नोन एज द कस्टमाइज्ड. सो द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज कस्टमाइज्ड फॉर द फॉरवर्ड मार्केट, वेयर एज फॉर द फ्यूचर मार्केट इट इज स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड की एग्जाम्पल है जैसे ड्रेसेज जो हैं, अगर आप रेडीमेड लेने जाएं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइजेस यूजली, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. तो अगर आपको स्मॉल पूरा नहीं आ रहा तो यू हैव टू गो फॉर द मीडियम. अगर आपको मीडियम थोड़ा सा खुला भी है तो कोई और चॉइस नहीं है इसके अलावा आपके पास, क्योंकि आपके पास आप इधर स्मॉल लेंगे या फिर आप मीडियम लेंगे. और अगर आपको मीडियम ठीक नहीं लग रहा तो आप लार्ज लेंगे, मीडियम और लार्ज के दरमियान में आपको एक चूज करना पड़ेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्डाइज्ड होने का मतलब यह है कि जैसे जो फर्क रेडीमेड कपड़ों में और टेलर स्टिच्ड कपड़ों में है, दैट इज द टेलर स्टिच इज द कस्टमाइज्ड एंड द रेडीमेड इज द स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, स्मॉल साइज स्टैंडर्ड है, मीडियम साइज स्टैंडर्ड है एंड लार्ज साइज स्टैंडर्ड है. आपने इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, दैट इज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज, दैट इज कस्टमाइज्ड और द स्टैंडर्डाइज्ड. अच्छा स्टूडेंट्स, में एक और चीज है, कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है वो हाउ इट इज कस्टमाइज्ड, दैट इज बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक, दैट इज द एमएनसी एंड द कमर्शियल बैंक. एमएनसी और कमर्शियल बैंक के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. गॉट माई पॉइंट? आपके और कमर्शियल बैंक के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज जो आपकी ट्रांजेक्शन है 1.8035 मिलियन की, वो आपकी कस्टमाइज्ड ट्रांजेक्शन है बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक. लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना पड़ेगा. आपके पास ब्लॉक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, दी स्टैंडर्ड दी फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. आपके पास एक 50,000 का ब्लॉक है, फिर 50,000 का ब्लॉक है, आप उन सब ब्लॉक्स को जमा करेंगे टू गेट मिलियंस, जितने आपको मिलियंस चाहिए, और एक्स्ट्रा जो होंगे फिर आप उन उससे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद के उस अमाउंट को पूरा करेंगे जो आपके स्टैंडर्डाइज है. समझ आ रहा है ना? यानी आपके लिए फ्यूचर मार्केट में ये सहूलत नहीं है कि आप एज इट इज 1.8052 मिलियन जितनी भी आपकी अमाउंट है आर्बिट्रेरी सी उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. फ्यूचर मार्केट में यू हैव टू एंटर इन टू द स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन हों. डिलीवरी डेट इज कस्टमाइज फॉर द फॉरवर्ड मार्केट. आपने अपनी पसंद से, लेट से आप कहते हैं 21 मार्च को मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी डिलीवरी डेट है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, दैट इज कस्टमाइज. लेकिन फ्यूचर मार्केट की जो डिलीवरी डेट्स हैं दे आर स्टैंडर्डाइज. वो होता ही है कि यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेट से फॉर थ्री मंथ्स. थ्री मंथ्स के होंगे, सिक्स मंथ्स के होंगे, नाइन मंथ्स के होंगे, एटसेट्रा. और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे. आइदर यू हैव टू एंटर इनटू द थ्री मंथ कॉन्ट्रैक्ट और अ सिक्स मंथ कॉन्ट्रैक्ट और अ नाइन मंथ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा नहीं है. जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि वन एंड हाफ मंथ की हम ट्रांजेक्शन कराना चाह रहे हैं. तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ये आपके पास आसानी है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक, पसंद से मतलब ये कि जब तक आपका दिल चाहे या जब तक आपको फीजिबल लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने साइज का होना चाहिए, यू कैन हैव गेट इट डन ऑन दी फॉरवर्ड मार्केट्स. लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने स्टैंडर्डाइज रखना है और स्टैंडर्डाइज डिलीवरी डेट है उसकी, और वो उसी पैटर्न के ऊपर होगी. आइदर इट इज इट हैज टू बी फॉर द थ्री मंथ्स, इट हैज टू फॉर द सिक्स मंथ, इट हैज टू बी फॉर नाइन मंथ्स, एटसेट्रा. तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते. पार्टिसिपेंट्स, फ्यूचर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स, ब्रोकर्स, MNCs. Public speculation is not encouraged. Whereas, future market ke andar banks, brokers, MNCs and qualified public speculation is encouraged. Forward market ke andar aap speculation nahi kar sakte because this is one-to-one contract and there is an obligation. Acha, in dono ke darmiyan mein jo ek bahut bada difference hai, wo ye hai ki forward contracts ke andar obligation hai. Aapko isko meet karna hi karna hai. No doubt what are the circumstances. Lekin future market ke andar ye hai ki qualified public speculation is encouraged. Qualified public speculation is encouraged. Security deposit. Forward market mein compensating bank balances or credit lines are needed. सिक्योरिटी डिपॉजिट में फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कंपनसेटिंग बैंक बैलेंसेज और क्रेडिट लाइंस आर नीडेड. व्हाट आर द कंपनसेटिंग बैलेंसेज बाय द वे? कंपनसेटिंग बैलेंसेज स्टूडेंट्स वो होते हैं
जिसमें हम जो बैंक जो है वो अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट को रखता है, इन विच यू सी कंपनसेटिंग बैलेंस में आप उसको यू हैव टू हैव सम बैलेंस इन इन योर बैंक इन ऑर्डर टू अवेल ऑल दो सर्विसेज जो आप अवेल करना चाहते हो फ्रॉम दी बैंक एंड सर्टेन क्रेडिट लाइन्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट इज टू बी नीडेड. और जबकि फ्यूचर मार्केट के अंदर स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड. फ्यूचर मार्केट में जब आप एंटर होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपनिंग करानी पड़ती है. अकाउंट ओपनिंग से मतलब ये होता है कि जैसे आप शेयर ऑफ स्टॉक की जब ट्रेडिंग के लिए आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसको हम CDS कहते हैं, उस CDC अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपने एक स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके अंदर जमा कराया. इसकी मिसाल बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप एक बैंक अकाउंट ओपन कराएं और उस बैंक अकाउंट के अंदर आपने कोई एक मिनिमम सा डिपॉजिट रखना है सो दैट यू कैन कंटिन्यू दी अवेलिंग दी सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. और वो जो स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. वही सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आपको फ्यूचर मार्केट में भी चाहिए होती है और एंड यू हैव टू प्लेस दैट. आपको वो स्मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है फ्यूचर मार्केट के अंदर भी. क्लियरिंग ऑपरेशन फॉरवर्ड मार्केट हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल बैंक्स एंड ब्रोकर्स वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स इज हैंडल्ड बाय एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस एंड डेली सेटलमेंट्स टू द मार्केट प्राइसेस. फॉरवर्ड मार्केट में जो आपकी क्लियरिंग ऑपरेशन है दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक्स एंड ब्रोकर्स वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स की जो क्लियरिंग ऑपरेशन है दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस डेली सेटलमेंट टू द मार्केट प्राइसेस. ये आपके डेली डिटरमिन होते हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे इसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन होगी बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. देन इज द मार्केट प्लेस. फॉरवर्ड मार्केट की जो है मार्केट दैट इज द वर्ल्ड वाइड टेलीफोन नेटवर्क दैट इज यूजली द OTC वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स की जो है दैट इज द सेंट्रल एक्सचेंज फ्लोर विद द वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन. आपके पास एक फ्यूचर मार्केट्स के अंदर आपके पास एक एक्सचेंज फ्लोर है वेयर बाय यू एक्सचेंज फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. रेगुलेशंस फॉरवर्ड मार्केट्स का जो रेगुलेशन है दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी वेयर एज द फ्यूचर मार्केट का जो है दैट इज अंडर विद द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एंड नेशनल फ्यूचर एसोसिएशंस. लिक्विडेशन फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर मोस्टली सेटल्ड बाय द एक्चुअल डिलीवरी वेयर एज फ्यूचर मार्केट्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर मोस्टली ऑफसेट. ऑफसेटिंग से मतलब यह है कि अगर मेरे पास बाइंग वाला कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं उसको सेलिंग वाले से एक्सचेंज कर लूँ. और लिक्विडेशन के लिए कि मोस्टली दे आर सेटल्ड बाय द एक्चुअल डिलीवरी. ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज बैंक बिड आस्क स्प्रेड. वट इज बिड? बिड इज टू बाय एंड आस्क इज टू सेल. उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड. ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट है दैट इज द बिड आस्क स्प्रेड और जो फ्यूचर मार्केट्स की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है दैट इज द नेगोशिएटेड ब्रोकरेज फी. ब्रोकर आपको ये सहूलत देता है कि वो आपकी ट्रांजेक्शन को डन कराएगा बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी. सो डियर स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई एम श्योर यू हैव इंजॉयड इट. मैं आपको वही बेरिंग्स बैंक की स्टोरी जो है वो दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी. नाउ यू आर क्लियर अबाउट द स्पेकुलेशन एंड हेजिंग टर्मिनोलॉजीज. जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसकी ओपनिंग में आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी एंड यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव जस्ट स्टडीड इन दिस लेक्चर. और आपको फिर उस वक्त वो सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी जो हमने स्पेकुलेशन और हेजिंग के मुतालिक इस लेक्चर में पढ़ी. थैंक यू वेरी मच. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.